जिन्होंने उनका साथ दिया महामारी में, जो घर से निकल के उनके साथ आगे खड़े हुए हैं अपनी दिल्ली के लिए, एक बार कम से कम उनको सीएम को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो मेरे साथ खड़ा था हम उनके साथ खड़े हों। आज हमारा टाइम है तो कम से कम हमें बेरोजगार तो ना किया जाए। हमने कहा, हमें भगवान कहा जा रहा था, आज हमें रोड पे बैठा दिया है, फूलों की बरसात हो रही थी और आज हमें देखे कैसे बैठा दिया और एक दिन के नोटिस में निकाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली सचिवालय के सामने, जहां पर कुछ हेल्थ वर्कर्स जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड है वो सब यहां पे मौजूद है और वो कुछ किसी चीज़ों की जो है वो मांगे कर रहे हैं दिल्ली सरकार से। आइए पर इन्हीं से जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। जी मैम, मैं आपसे जान सकती हूँ कि क्या मांग है आप लोगों की? मैम, हमारी मांग ये है कि हमें रोज़गार चाहिए, चाहे वो डिस्पेंसरी में दे दें, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं आम आदमी पार्टी के उसमें दे दें, किसी में NRHM में ले, बस हमें रोज़गार चाहिए। क्या हुआ था आपके साथ, किसने जॉब से निकाला है? मैम, हमारे हम लोगों को कोविड टाइम में लिया गया था, सबको, वैक्सीनेटर्स को, ANM, LT, OT, यहाँ पे 11 मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं सब फील्ड से। 11 मई को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, 26 मार्च 2022 में हमारे पास लेटर आता है, ऑफिशियली लेटर, कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। जब हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया था तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का था, बट ये अपने आप उसे एक्सटेंड करते रहे थे जब तक इनको लगा कि इन्हें एक्सटेंड करना है। बट अभी हमें रखा किस लिए गया था, वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हमारे पास वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए था, बट ड्राइव अभी कंटिन्यू है, ड्राइव अभी ख़त्म नहीं हुई। 12-14 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लग रही है, थर्ड डोज बूस्टर डोज अभी पेंडिंग है, जो 60+ को लगी है, अभी 45+ वालों का नंबर आना भी बाकी है, बट उससे पहले इन्होंने हमें बोला है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। तो हम लोगों की बस यही मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जाए और हमें हमारी जॉब्स वापस दी जाए। हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, हमारे पास कोई भी फर्दर ऑर्डर नहीं आया स्टेट की साइड से। 31 की इवनिंग में 6:30 बजे हमारे CDMO का एक नोटिस आता है हमारे पास कि आप लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन तक के लिए रेस्ट दिया जाता है। अभी तक हमारे पास कोई भी ना स्टेट से ऑर्डर है ना डिस्ट्रिक्ट से ऑर्डर है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था आपका, तो कितने महीने का हुआ था? हमारा 3-3 महीने का एक्सटेंड हो रहा था। 3 महीने का, आपको 3 महीने के लिए रखा गया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा टाइम के लिए टाइम काम करवाया। फर्स्ट टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम आपको 3 महीने के लिए रख रहे हैं, फिर उसके बाद में वो 3-3 महीने करके बढ़ाते गए और ऐसे हम लोगों को 2 साल की जरूरत जब तक थी इन्होंने हमें रखा और उसके बाद में इन्होंने हमें हटा दिया। सब लोगों को कितना पे कर रहे थे ये? 21,000। हम लैब टेक्नीशियन है ना, सबकी अलग अलग है, यहाँ पर LT भी बैठे हुए हैं, CDO भी बैठे हुए हैं और NM भी बैठी हुई है, ठीक है, सब है यहाँ पर। तो हम लोगों को तो ये था 3-3 मंथ का था और 2 साल से ये लोग कंटिन्यू बढ़ा रहे थे, जब तक इनको जरूरत थी तब तक इन्होंने बढ़ाया, अदरवाइज क्या हटा दिया। अच्छा, लैब का काम कोरोना में किस लिए चाहिए होता था? टेस्ट करते थे हम लोग, टेस्टिंग करते थे, पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे थे उनके टेस्टिंग कर रहे थे हम लोग, ठीक है, हमारे में हर चीज़ चल रही थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग सब कुछ सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने हमें निकाल दिया, ना हमें कोई कॉइन इन्होंने लिख के दिया ना कुछ, बस इन्होंने बोला कल से नहीं आना, दैट्स ऑल। इस वजह से आप लोग जो है यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिन हो गए हैं? हमें 10-12 दिन हो गए। हाँ जी मैम, मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ नॉर्थ से। हाँ जी, हमारा जैसे पहले 6-6 महीने का 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहा 2 साल से, और अब 31 तारीख को ख़त्म कर दिया, बोले कि कल से नहीं आना। एक दिन का रेस्ट दिया था वैसे बीच में, एक दिन का नोटिस दिया था एक दिन के लिए बीच में। हमने उस टाइम पर काम किया जब लोग घर से भी नहीं निकलते थे, हमने उस टाइम पर काम किया जब लोग घर से भी नहीं निकलते थे। ये लोग पंजाब में जाके बोलते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट वाले सभी लोग पक्के कर दिए और यहाँ हटाए दिए। कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है आप लोगों के साथ? क्या दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, DHS की तरफ से हम लोगों को लिया गया था। हम बहुत जगह धक्के खा चुके हैं, हम अंदर भी गए थे, ट्राई किया हमने लोगों से बात करने का, कोई भी नहीं आ रहा है। आपने मतलब पहला प्रोटेस्ट है राजघाट के सामने किया है, उसके अलावा भी आपने कहीं और कोशिश की? बस यही अभी प्रोटेस्ट। इस जगह को क्यों चुना सर? यही हेल्थ के डिपार्टमेंट सारे हैं, मैं यहीं हमारे यहाँ CM सर भी आए थे, हम उनसे मिले नहीं, CM आए थे, हम लोगों से नहीं मिले वो। बिल्कुल, हाँ जी, मतलब उनकी खबर में नोटिस में है ये चीज़ कि आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल पता है, बट वो नहीं मिले हमसे। हमने मेल भी किया था उनसे मिलने के लिए, बट वो नहीं मिले हमसे। करीबन आप लोग कितने स्टाफ हो, कितने मेंबर्स हो? ये 500-600 लोग यहाँ बैठे, 500-600 लोगों के साथ ऐसा हो रहा है दिल्ली में? हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल। और यहाँ देख रहे हो मैम आप कितने लोग बैठे हुए हैं, कैसे बुक
भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं धूप में, आप देख रहे हो प्रेग्नेंट लेडी आई हुई है और जिनके अभी 2 मंथ हुआ है बेबी को लेके धूप में बैठी हुई है, वो तो कितना मुश्किल है। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जॉब दे दें। हमने कहा, हमें भगवान कहा जा रहा था, आज हमें रोड पर बैठा दिया है, फूलों की बरसात हो रही थी और आज हमें देखे कैसे बैठा दिया और एक दिन के नोटिस में निकाल दिया है कि एक दिन पहले नोटिस दिया, जबकि 1 मंथ 1 वीक आप हमें टाइम तो देते कहीं ज्वाइन करने का, एक दिन के नोटिस में उन्होंने हमें टाइम दिया। तो हमारी बस यही है कि हमें वापस जॉब पे रखा जाए। हमें जो आप वो बोल रहे हैं हर जगह कि हम रोज़गार दे रहे हैं, तो हाँ यहाँ कहाँ रोज़गार है, आप देख रहे हैं मैम इतने वर्कर्स बैठे हुए हैं यहाँ। बस हमें रोज़गार दे दें, हमें वापस हमारी जॉब दे दें, हमारी यही आउटसोर्स हटा दिया जाए, बस यही चाहते हैं मैम जी। आप सर बोलेंगे कुछ? हाँ जी मैडम, मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। 2 साल से काम कर रहे थे मैडम कोरोना में, पूरे दिन रात काम किया हमने, जहाँ भी ड्यूटी लगाई है। और मैडम अब हमारा 31 तारीख से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है, बोले एक दिन का गैप दिया था, नोटिस आया था जो 31 तारीख को शाम को 5-6 बजे आया था CDMO मैडम की तरफ से, एक दिन का नोटिस है कि एक दिन के लिए मतलब गैप हो रहा है, और फिर उसके बाद टिल फर्दर ऑर्डर बोल दिया कि अब कुछ भी नहीं है, जाओ घर पे। ये हैंडीकैप है हमारे साथ, तो वो देखो वो कैसे खड़े हैं वहाँ पे उधर भी, ठीक है, और वो कितनी प्रॉब्लम में खड़े हैं यहाँ पे। हमारे CM सर फिर भी हमारी कुछ नहीं सुन रहे, जिन्होंने उनका साथ दिया महामारी में, जो घर से निकल के उनके साथ आगे खड़े हुए हैं अपनी दिल्ली के लिए, एक बार कम से कम उनको CM को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो मेरे साथ खड़ा था हम उनके साथ खड़े हों। आज हमारा टाइम है तो कम से कम हमें बेरोज़गार तो ना किया जाए। एक्चुअली मैम ये हम केजरीवाल जी से मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। वहाँ पर जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी इस पे सुनवाई करेंगे। वहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने बोला कि वो आम आदमी नहीं है जो आप ऐसे ही मिलने उठ के आ गए मिलने के लिए, ठीक है। पुलिस वालों ने आपको ये कहा? वालों ने ये बोला। तो मेरी ये बात है केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी अगर आप आम आदमी नहीं हैं तो आप ये आम आदमी का क्यों बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूँ आम आदमी हूँ आम आदमी के बीच में रहता हूँ। आपसे मिलने के लिए 750 लड़कियाँ 10 दिन से बैठी हुई हैं सर, आज भी आप सेक्रेटरिएट आए थे, आज क्या डेट है 8 है आज भी आए हैं वो यहाँ पे सेक्रेटरिएट, लेकिन वो मिलने नहीं आए हमसे, उन्होंने अपना रूट चेंज करवा लिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए थे, उन्होंने एक मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में देखिए हमारे ऑर्डर्स के लिए बात की गई है, लेकिन अभी तक हमें रखा नहीं गया है। ये देखिए ये ऑर्डर्स में हमारा लिया गया है, उन्होंने बोला है कि हमें रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में कुछ बात नहीं की है, ना हमारे ऑफर लेटर्स हमें दिए गए हैं अभी तक। हम लोग ऐसे आसान बात नहीं है कि हम लोग 46, 41, 42 कितना टेम्परेचर है इसमें हम ज़मीन पे बैठे हैं इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, ठीक है। मोदी जी ने ये बोला था कि 100 डेज कम्प्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद हमें ना सम्मान दिया जाएगा। मोदी जी हमें सम्मान नहीं चाहिए, आप ही का ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर इतनी सारी बेटियां ज़मीन में बैठी हैं, प्लीज़ आप लोगों से यही अपील है हमारी कि इतनी सारी बेटियां बैठी हैं फिर बेटियों को पढ़ाना बंद कर दीजिए अगर उनकी नौकरी लेके ऐसे आपको हटवानी है। ऊपर वाले कॉलम में मोदी जी ने ये बोला है कि आप लोग की गवर्नमेंट वो होगी, आप लोगों को हेल्थ वर्कर्स को क्या मिलेगा इंश्योरेंस स्कीम मिलेगी, हमें कोई स्कीम नहीं मिली, हमारा बॉस स्टाफ ऐसे ही मरा है उसको कोई स्कीम नहीं मिली, बल्कि जो कोविड पॉजिटिव बच्चे थे उन लोगों ने भी अपनी छुट्टियां कटवाई हैं। देखिए अभी हम तमाम लोगों से जुड़े जो कि कोरोना के मुश्किल समय में हम लोगों के साथ थे, पैरा मेडिकल स्टाफ हैं ये लोग, इन्होंने कोरोना के मुश्किल समय में पूरी दिल्ली का साथ दिया है और लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करी है, लेकिन जब अब इन्हें मदद की ज़रूरत है कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, दिल्ली सरकार द्वारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स है उन्होंने इन्हें एक दिन के नोटिस पर निकाल दिया। हम आपको बता दें पिछले 2 सालों से जो है सरकार के लिए काम कर रहे हैं पैरा मेडिकल स्टाफ में, लेकिन अभी इन्हें जब कोरोना के केसेस कम हो गए इन्हें निकाल दिया गया है, इसको लेकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि इन्हें चाहे निकाल दिया गया लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं जो है प्लेसमेंट मिले। हम आपको बता दें इन्हें जो है 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते चले गए इनकी ज़रूरत भी होती चली गई और सरकार जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करती चली गई, लेकिन अब जैसे ही कोरोना के केसेस कम होने लगे हैं और अब इनकी ज़रूरत नहीं रही तो इन्हें एक दिन के नोटिस पर निकाल दिया गया। इसी को लेकर ये लोग यहाँ पे जमा हैं दिल्ली सचिवालय के सामने और इनकी कुछ मांगे हैं, इनकी मांगे ये है इन्हें जो है वापस से प्लेसमेंट दी जाए, वापस से रखा जाए, चाहे फिर इन्हें मोहल्ला क्लिनिक्स में रखा जाए या दिल्ली सरकार द्वारा डिस्पेंसरीज में, लेकिन इन्हें जो है कहीं ना कहीं रखा जाए क्योंकि इनका कहना है कि हमने मुश्किल समय में बहुत ही साथ दिया है। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें
कि क्या इनके साथ ठीक हुआ है कि नहीं। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।